हेलो एवरीवन वन वेलकम बैक और आज के इस वीडियो में जो है हम इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग और मॉडल बेस्ड लर्निंग में जो है डिफरेंस जानेंगे अब मशीन लर्निंग के अंदर जो है जो भी हम मॉडल डेवलप करते हैं और किस तरीके से हमें हमारा आउटपुट मिलता है इस चीज़ को जानने के लिए हमें मॉडल बेस्ड लर्निंग और इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग के डिफरेंस को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों के डिफरेंस की बात करेंगे स्टार्ट करते हैं इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग के साथ तो इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग जो है ये बेसिकली आपकी कुछ क्लास ऑफ एल्गोरिदम्स होती है जो कि प्रोडिक्शंस करती है और मेजरली जो है इसको हम क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं और ये जो प्रोडिक्शन करती है हमारी लर्निंग एल्गोरिदम ये जो है बेस्ड होती है कुछ स्पेसिफिक इंस्टेंस पे जो कि हमारे ट्रेनिंग डेटा से उठाए जाते हैं ये जो है बेसिकली आपका बिना कोई मॉडल डेवलप किए जो है काम करती है अबे बिना कोई मॉडल डेवलप किए किस तरीके से काम करेगी इसके लिए आपको मॉडल बेस्ड लर्निंग का पता होना चाहिए यहाँ पे आप समझ लीजिए अब तक जितनी भी हमने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम प्रीवियसली पढ़ी है वो सभी क्या है मॉडल बेस्ड लर्निंग से जुड़ी हुई है बिकॉज हम उन सभी के अंदर क्या करते हैं एल्गोरिजम की हेल्प से मॉडल डेवलप करते हैं और फिर कुछ आउटपुट लेते हैं बट इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग जो हमारी टेक्निक है इसके अंदर हम बिना किसी मॉडल को डेवलप करे जो है हमारी एल्गोरिदम से काम कराते हैं और आउटपुट को जनरेट कराते हैं अब ये एल्गोरिदम किस तरीके से काम करती है तो ये एलगोरिदम्स जो है बेसिकली जो हमारे ट्रेनिंग इंस्टेंसिस होते हैं यानी कि जब हम हमारी मशीन को ट्रेन करते हैं और उस समय पे जो हम ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड करते हैं मशीन को तो उस डेटा से जो है हमारी इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग मॉडल डेवलप करने के बजाय ट्रेन होने के बजाय उस डेटा को हमारी इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग एल्गोरिदम स्टोर कर लेती हैं और जब प्रिडिक्शन फेज आता है यानी कि जब हमें कुछ प्रिडिक्शन करनी होती है उस टाइम पे वो जो हमारी एल्गोरिदम है वो उस स्टोर्ड ट्रेनिंग इंस्टेंसेस का यूज़ करके हमें प्रिडिक्शन जनरेट करके देती है और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम और केज बेस्ड रीजनिंग अब ये दो ऐसी एल्गोरिदम्स हैं जो कि इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग के अंदर कॉमनली यूज होती है अब इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग का अगर मैं आपको ओवरव्यू बताऊं, यहाँ पे हम हमारी मशीन को इनपुट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग डेटा और मशीन क्या करती है उस ट्रेनिंग डेटा से ट्रेन होने के बजाय उस डेटा को स्टोर कर लेती है एल्गोरिदम के अंदर और जब प्रडिक्शन फेज आता है तो किसी रेंडम इंस्टेंस का जो कि हमारे टेस्ट आउटपुट से टेस्ट इनपुट से रिलेटेड डेटा है उसकी हेल्प से क्या करती है वो प्रिडिक्शन के टाइम उस ट्रेनिंग इंस्टेंस का जिसको हमने स्टोर किया था उसका यूज़ करते हुए प्रिडिक्शन करती है तो ये होती है हमारी इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग और इसी के ऑपोजिट है मॉडल बेस्ड लर्निंग जो कि आप सभी जानते हैं बिकॉज प्रीवियस हमने जितनी भी वीडियोस कवर की है उन सभी के अंदर हम क्या करते हैं मॉडल डेवलप करते हैं तो हमारी जो मॉडल बेस्ड लर्निंग है ये बेसिकली एक मशीन लर्निंग अप्रोच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं मॉडल को बिल्ड करते हैं और मॉडल को बिल्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग डेटा और उस ट्रेनिंग डेटा के हेल्प से जब हम मॉडल को बिल्ड कर लेते हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं प्रडिक्शंस करते हैं या फिर क्लासीफिकेशनस करते हैं हमारे डेटा पे या फिर अनसीन इंस्टेंसेस पे तो जो हमारी मॉडल बेस्ड लर्निंग टेक्निक है बेसिकली फोकस करती है एक्सट्रैक्ट आउट करती है हमारे अंडरलाइन पैटर्न्स को रिलेशनशिप को जो कि डेटा के अंदर होते हैं तो इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग में क्या होता है हमारा डेटा स्टोर होता है और प्रिडिक्शन टाइम पे उस डेटा का यूज किया जाता है बट मॉडल बेस्ड लर्निंग में क्या होगा हम डेटा में से पैटर्नस डेटा के रिलेशन को एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं और उन रिलेशन की हेल्प से किसी नए इनपुट का हम फिर आउटपुट जनरेट करते हैं अब कुछ एग्जाम्पल मॉडल बेस्ड लर्निंग एल्गोरिदम्स के या फिर टेक्निक के तो लीनियर रिग्रेशन डिसीजन ट्री और सपोर्ट वेक्टर मशीन तो ये तीनों एल्गोरिदम क्या है मॉडल बेस्ड लर्निंग का टाइप है तो होपफुली उम्मीद करता हूँ आपको जो है इस वीडियो के अंदर इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग और मॉडल बेस्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और इंटरव्यूज में एग्जाम्स में ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है बट इज इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग और इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग आपको तभी समझ में आएगी जब आपको इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग का और मॉडल बेस्ड लर्निंग एल्गोरिदम्स का टेक्निक्स का डिफरेंस या फिर बेसिक जो है पता होगा